जाने के लिए, जैसे मर्ग बोलते हैं आप लोग, है ना, मर्ग। तो जम्मू कश्मीर में जितने मर्ग हैं लगभग सब पे गुज्जर बकरवाल जो है सालाना इस पार से उस पार जाते हैं, जैसे बनिहाल हो गया, दरहाल हो गया, जामिया वाली गली, नूरपुर, पीर पंजाल पास, रूपारी, सार्थल, तोसा मैदान, जेली मर्ग, आप सब गए भी होंगे, ये सब मैंने किताब में देखा हुआ है। सो ये पूरे इलाके ऐसे हैं कि देखिए आप लोगों का महत्व तो क्या है इस इलाके में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस इलाके में फौज का साथ दिया यहाँ पे मिलिटेंसी को खत्म करने में। अभी हमारे पास रिकॉर्ड में आवामी फौज, वीडीसी मेंबर्स, यहाँ पे हमारे पास आवाम जवान मेमोरियल है जहां पे लोगों ने फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के बुलेट लिए। तो फौज का हमेशा शुक्रगुजार है। कहीं भी चर्चा चलती है तो हमेशा ही आता है कि कुलाली मड़ा के लोगों ने फौज का साथ दिया है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने फौज का साथ दिया है। आज 29 जनवरी 2022 को यहाँ पे लेक्चर हुआ है, तो इसमें हमें बहुत सारी स्कीमों के जिनको हमें पता नहीं था, हमें बताया इनके बारे में, और बहुत ऐसी ऐसी चीजें हमें बताई जिनका हमें पता भी नहीं था, और हम कोशिश करेंगे कि उन पे फोकस करें और उनको समझें और फौज के साथ चलें। और साहब ने आज हमें बहुत बहुत बेहतरीन चीजें बताई यहाँ पर, और हमारी यहाँ मीटिंग हुई है घंटे से ज्यादा टाइम, और साहब ने हमें यहाँ पे पूरा जो जो हमारी बेनिफिट स्कीमें थी उनके बारे में बताया, गवर्नमेंट की जो स्कीमें यहाँ पे चल रही हैं। फारूक है, मैं दोफली का रहने वाला हूँ। तो आज हमें जो यहाँ पे सीखने को मिला है तो इसको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह इस पर हम कामयाब होंगे, तो इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। साहब, रोमियो फोर्स ने जो आज हमें इधर बुलाया था, काफ़ी लोग जमा थे, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी के बारे में बताया गया, इससे इंशाल्लाह बहुत सबक हासिल हुआ, बहुत चीज़ें जो हमें नहीं मालूम थी वो आज मालूम हुई, उन पे हम अमल करेंगे, फ़ायदा लेंगे, और फौज ने हमारे साथ अच्छा तआमुल किया, और इस रीज़न से इंशाल्लाह हर इंसान को फ़ायदा मिलेगा, कारोबार करेगा। और हम ये फौज का शुक्रिया भी अदा करते हैं तहे दिल से, कि अगर ऐसे ही मामला चलता रहो तो जैसे हमने पहले कंधे से कंधा मिलाकर फौज के साथ तो अच्छी कामयाबी हासिल की, आज चैन की नींद से सोते हैं, आराम से जीते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें गाड़ी मैसर है, हमें हर चीज़ सहूलत है। तो हमें पछड़ा हुआ इलाका था, कोई कहीं से नहीं देख रहा था, लेकिन आज हम इंशाल्लाह अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर रहे हैं, कर रहे हैं, और ऐसा ही फौज के साथ हम रहेंगे इंशाल्लाह।